आना चाहिए, ऐसा कुछ हाँ नहीं है। तो देखो, हमने जब स्टार्ट किया था यूनिट, तुम पहले ये लिखोगे अपना यूनिट स्टार्ट किया था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मैं अगर ऐसे नॉर्मल समरी लिख रहा हूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना। अभी इसको ऐसा मत समझना कि मैं कुछ समझा रहा हूँ, मैं तुम्हें बस आइडिया दे रहा हूँ कि मैं अपनी समरी कैसे लिखूंगा। तो यूनिट है, यूनिट में बच्चों हमने पढ़ा था कि कितने टाइप्स की यूनिट्स होती हैं। वैसे हमने जब स्टार्ट किया था वो फिजिकल क्वांटिटी से किया था बच्चे। मैं यहाँ पर अगर फिजिकल क्वांटिटी भी लिख दूँ वो तुम्हारे ऊपर है, तुमने कहाँ से स्टार्ट करना है। फिजिकल क्वांटिटी है ना, फिजिकल क्वांटिटी से मेरे को एक ही नाम याद आ जाता है सर, इसके बहुत सारे टाइप जिसको मेजर किया जा सकता है, मेजर्ड, कैन बी मेजर्ड। ठीक है, तो इसके दो टाइप्स मैंने पढ़ लिए थे इसका। वैसे तो तीन टाइप्स थे, एक फंडामेंटल, एक डेराइव्ड, साथ साथ बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री फंडामेंटल को मेरे को याद आया था कि ये इंडिपेंडेंट था डेराइव्ड की, जो डिपेंड करती थी फंडामेंटल पे, और सप्लीमेंट्री जो दोनों में नहीं थी। इसका एग्जाम्पल लिख दिया था, क्या एग्जाम्पल था इसका, प्लेन एंगल एंड सॉलिड सॉलिड एंगल एंड एंगल। तो ये मेरी यूनिट हो गई। उसके बाद हमने यूनिट्स पढ़ा जो मेजरमेंट के लिए यूज होती थी, इसके टाइप्स पढ़े हमने, जो जिसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो लिख दिया मैंने, CGS और SI। MKS SI के अंदर भी थोड़ा बहुत आ जाता है, वैसे लिखना चाहो तो आ जाएगा क्योंकि लगभग लगभग सेम सेम चीजें होती है MKS और SI। CGS को मैंने पता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS का पता है मीटर किलोमीटर सेकेंड, SI में जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है यहाँ पर भी मीटर किलोमीटर सेकेंड ही रहता है वैसे। फिर हमने देखा कि कुछ डिफरेंट क्वांटिटीज को हमने कन्वर्जन ऑफ यूनिट की बात की थी। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में मैंने बात की थी, जैसे फॉर एग्जांपल मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, किलोमीटर को मीटर में, या केजी को ग्राम में बदलना, या सर न्यूटन को किस में बदलोगे, डाइन डाइन में बदलोगे, अर्थ और एनर्जी को किस में, मतलब जूल को किसको किस में बदलोगे, अर्थ बदलोगे। तो ये कन्वर्जन ऑफ अर्थ मीटर की बात की थी। इसका एग्जांपल भी लिख सकते हो, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन, और वो 7 भी कर सकते हो एनर्जी का भी, पर ठीक है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के बाद मैंने बात की थी अपनी डायमेंशन की बात की थी सर। डायमेंशन में मैंने क्या बात किया था, डायमेंशन में मैंने देखा था कि कितनी फिजिकल क्वांटिटी या जो भी मेजरेबल क्वांटिटी है उसका कितना रेस टू द पावर होती है, वही उसकी, अरे ये लैग क्यों कर रहा है भाई, रेस टू द पावर होती है वही उसकी डायमेंशन होती है। फॉर एग्जाम्पल जनरली हम यूज करते हैं कौन सी तीन क्वांटिटी डायमेंशन के लिए, मास, लेंथ एंड और टाइम। टाइम ये एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन पार्ट देखना था, एप्लीकेशन पार्ट में एक दो एग्जाम्पल जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था, वो लिख दूंगा, वो था चेकिंग ऑफ द फॉर्मूला, एंड दूसरी बात क्या थी, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। ये थोड़ा देर बाद दिख रहा है क्या तुम्हें भी, यस सर। अब ठीक है, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। इसके बाद डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला के बाद हमने पढ़ लिया था, इसका एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। डेरिवेशन फॉर्मूला मैंने पढ़ा था, एस इज इक्वल टू UT+ ½ AT², ये तो चेकिंग वाला यस एग्जाम्पल। सर। और एक डेरिवेशन का फॉर्मूले का एग्जाम्पल लिख देता हूँ, T√L/ जी जी। तो इसको डेरिवेशन की मैंने अप्रोच जी जो करी थी वो याद रख लेता हूँ, मेरी अप्रोच क्या थी सर। अरे यार ये क्या हो रहा है, इसको मैं बहुत फास्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अप्रोच क्या थी इसकी, अप्रोच ये थी कि सर जो भी क्वांटिटी को ड्राइव कर रहे हो जैसे 2T को, तो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, L, तो कैसे लिखूंगा, T√L/ क्या लिखता हूँ बच्चे, A, G की पावर क्या ए लिखता था, B। उसके बाद क्या करता था सर, इसको इसका कॉन्स्टेंट सेपरेट कर देता था, L/A G/B, कॉन्स्टेंट को सेपरेट कर दिया था मैंने, राइट, ऐसा ही किया था ना। उसके बाद क्या किया था, इन सब की क्या लिख दी थी, और डायमेंशन फिर इनको क्या कर दिया था, कर दिया इक्वेट था, जिससे हमारे पास ये फॉर्मूला डराइव हो गया था। तो ये मेरा हो गया था डेरिवेशन पार्ट फॉर्मूले का। हाँ लिमिटेशन भी थी इसकी, लिमिटेशन क्या थी सर, ये कॉन्स्टेंट के बारे में नहीं बताता था, याद है ना, जो भी डायमेंशन होते। उसके बाद बात आई थी सर मैंने एरर पढ़े थे, एरर में मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप पढ़े थे, कौन कौन से,
एब्सोल्यूट रिलेटिव मीन एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एक बार रुकना बच्चों कुछ दिक्कत हो रही है आज इसमें दोबारा शेयर करते आज बच्चे कम कैसे हैं मोहित सर बारिश लगी है बारिश आ रही है वहां यस सर यस सर बारिश है एरर में फिर हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट एरर फिर मीन एब्सोल्यूट एरर रिलेटिव एरर जरूर परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर और फिर परसेंटेज एरर इसके अंदर चाहो तो फॉर्मूला लग दो इसको लिखते थे ट्रू वैल्यू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू मीन एब्सोल्यूट मतलब एरर किसका ले लेना एब्सोल्यूट एरर का रिलेटिव एरर क्या होता था मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय में मीन वैल्यू मल्टी और इसको ही अगर रिलेटिव एरर को किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि परसेंटेज एरर आ रहा है रिलेटिव एरर को किससे मल्टीप्लाई कर दूं 100 100 से तो ये हो गया था एरर। उसके बाद पढ़ा था हमने एरर का प्रोपेगेशन प्रोपेगेशन मतलब एरर इन सम एरर इन सब्ट्रैक्शन ये दोनों वैल्यू सेम आती थी क्या आती थी डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ऐसे ही प्रोडक्ट और डिवीजन में भी सेम आती थी वो क्या होता था सर डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन वेरी गुड प्लस डेल्टा बी अपॉन डी वेरी गुड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बता सकता है कोई इससे पहले हमने पढ़ा था वैसे एक्यूरेसी और प्रिसीजन प्रिसीजन ये हमने पढ़ चुके थे एक्यूरेसी मतलब कि ट्रू वैल्यू के क्लोज कितना है और प्रिसीजन मतलब एक दूसरे के कितने क्लोज हैं क्लोज कितना है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था सर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा था इंस्ट्रूमेंट्स में हमने क्या पढ़ लिया था सर वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर में बात की थी लीस्ट काउंट की फिर स्क्रू गेज में लीस्ट काउंट का फॉर्मूला था वर्नियर कैलिपर में क्या फॉर्मूला होता था कोई बता सकता है 1 MSD माइनस 1 VSD लीस्ट काउंट का स्क्रू गेज में फॉर्मूला क्या होता था पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल वेरी गुड डिवीजन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल और पिच का अगर फॉर्मूला बताओ तो वो क्या होता था सर डिस्टेंस मूव्ड इन मेन स्केल हाँ इन कितने रोटेशन रोटेशन इन सर्कुलर स्केल। उसके बाद रीडिंग क्या करते थे रीडिंग कैसे लेते थे सर इसमें रीडिंग लेते थे सर इसमें मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट लीस्ट काउंट लीस्ट काउंट ऐसे ही इसके अंदर भी सेम सर्कुलर स्केल रीडिंग प्लस सॉरी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट लीस्ट काउंट क्या कुछ रह गया क्या बताओ मुझे बताओ कुछ रह गया हो गया सब बोलो हाँ या ना हो गया ना तो क्या ये एक पेज से ज्यादा का है क्या देखो दो सर है ना तो किसी बच्चे के दो पेज भर रहे थे किसी की जगह नहीं मिल रही थी किसी ने सिर्फ टॉपिक के नाम लिख दिए थे देखो क्या मैंने सिर्फ टॉपिक के नाम लिखे हैं या उनका थोड़ा बहुत काम भी करा है खोल के उनको आगे से उनका इम्पोर्टेंट पार्ट भी लिखा है या नहीं लिखा बताओ मुझे ऐसे रिवाइज करोगे अब ये कौन पढ़ेगा सर क्योंकि मैंने लिखा है तो मैंने ही पढ़ना है सर तो मेरे को किसी से क्या मतलब है ना तो इस यहाँ पर राइटिंग को मत देखना क्योंकि मैंने देखो समरी के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ स्पेशल रफ तो ये रफ काम ही रहता है बच्चे। अब मैं लगातार जब भी मैं मान लो सेकंड चैप्टर कर रहा हूँ तो मेरा जब टाइम मिला तो मैं ऐसा ऐसा पेज एक और लिख दूंगा कितनी देर लगी मेरे को 5 मिनट राइट अगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो मेरे को 7-8 मिनट लग गए हैं अगर मैं अकेला खड़ा हूँ जब अपने आप लिख रहा हूँ तो कितने मिनट लगेंगे मेरे को मैक्सिमम 5 मिनट
है ना, अगर पहली बार चलो नहीं लगे, दूसरी या तीसरी बार तो पक्का 5 मिनट ही लगेंगे या उससे कम ज्यादा लगेंगे, 5 मिनट ही लगेंगे सर बस। yes, sir. तो याद yes, रखना ऐसे रिवीजन करनी है, समझ में आ जाएगा सबको। yes, sir. अब से जब मैं बोलूंगा yes, कि रिवीजन, तो ये सेकंड चैप्टर खत्म होने के बाद मैं उसका भी रिवीजन बोलूंगा, तो वो ऐसे करके आओगे तो डन। यस सर। चलो जिसको क्लियर है थम्स अप कर दो फटाफट। चलो आइए अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, मैथमेटिकल टूल्स। आज की डेट बताएंगे 10 अगस्त हो गई, बताओ। आज बच्चे फंक्शंस, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फंक्शन और डिफरेंट ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे, और हो सका तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेंगे। देखो बताओ पहले फंक्शन होता क्या है तुम्हारे हिसाब से, सोचो थोड़ा। सर वही होता है ना फंक्शन, मेरे चाचा के बेटे की शादी है तो मैं वहां गया हूँ तो वो फंक्शन है, ऐसा? नो सर, तो वो फंक्शन नहीं है, हम तो फंक्शन ही बोलते हैं उसको। तुम क्या बोलते हो, जलवा है, जलवा ऐसे बोलते फंक्शन ही होता है वो भी, लेकिन हम मैथ्स के फंक्शन की बात कर रहे हैं सर। तो क्या होता होगा फंक्शन, सोचो थोड़ा। सर ये इसका फंक्शन है, मतलब चलते ना सर, ये धूले का फंक्शन है, धूला ना हो तो फंक्शन होगा क्या? नो सर, है ना, धूले का फंक्शन है, तो धूले का फंक्शन है, मतलब वो पूरा फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, धूले पे, झूले पे नहीं धूले पे, है ना। तो धूला आ गया तो उसको बोल देते हैं अराइवल ऑफ बारात, है ना। अच्छा दूल्हा खाना आ रहा है तो उसको बोल देंगे डिनर, दूल्हा और दुल्हन जा रहे हैं तो उसको क्या बोल देंगे, विदाई, है ना। तो सारा कुछ ऐसे यहाँ पर भी होता है सर, जब दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप हो उसको बोलते हैं फंक्शन। अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स हो जाएंगे सर, एक्स और वाई। जब वाई एक्स पर पूरी तरह डिपेंड करे तो वाई एक्स का क्या होता है, फंक्शन। जब वाई एक्स पर डिपेंड करे तो वो उसका क्या होता है, फंक्शन। तो अगर जब x चेंज हो रहा हो तो y की वैल्यू भी चेंज होगी, क्लियर है? यस सर। तो बस वही, तो देखो ध्यान से, यस सर। द रूल ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल सच दैट देयर इज ओनली वन यूनिक आउटपुट टू एवरी इनपुट। अगर मैं x की कोई भी वैल्यू रखूं उसके कोरिस्पोंडिंग किसकी वैल्यू चेंज हो जाए, y की पर्टिकुलर आउटपुट आ जाए। अभी धीरे धीरे आगे चलेंगे, ध्यान से सुनना। जो दो वेरिएबल्स हैं, जो मान लो एक y है और एक x एक्स है, तो एक दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक सेकंड रुको, वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, इसमें से एक तो क्या होता है बच्चे, इंडिपेंडेंट, और दूसरा क्या होता है बच्चे, डिपेंडेंट। समझ रहे हो, इंडिपेंडेंट मतलब जो डिपेंड नहीं कर रहा, वाई मतलब जो दूसरा फंक्शन है वो डिपेंडेंट है, मतलब वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट वाले फंक्शन पे। फॉर एग्जांपल मैं बाइक चला रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी बाइक की स्पीड मेजर कर रहा हूँ किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो बताओ टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हुआ या मेरी बाइक की स्पीड? सर टाइम। क्यों सर, कैसे पता लग रहा है, स्पीड नहीं हो सकती क्या, सोचो थोड़ा, सोचो जवाब दो, लेकिन क्या स्पीड इंडिपेंडेंट नहीं होगी, बोल दो। कैसे बोल सकते हो कि जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट है, सही बोल रहे हो बिल्कुल, लेकिन कैसे बोल सकते हो, सोचो तो सही थोड़ा। इंडिपेंडेंट है सर, अगर मैं अपनी बाइक की स्पीड तो रोक सकता हूँ, लो नहीं चला रहा भाई कर लो जो करना है, लेकिन अपने घड़ी को रोक सकता हूँ, दूसरों की घड़ी को तो नहीं रोक सकता, ये सूरज को ढलने से टाइम तो चलता रहेगा,
तो टाइम इंडिपेंडेंट हो गया और स्पीड जो है वो टाइम पर डिपेंड हो रही है, तो मैं बोल सकता हूँ कि स्पीड टाइम का क्या है, स्पीड टाइम का क्या है, फंक्शन। क्लियर है? ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी कह रहा है कि किस पे, वी पर डिपेंड कर रही है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, हाफ एमवी स्क्वायर। तो देखो वी की वैल्यू चेंज करते ही किसकी डायरेक्ट वैल्यू चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी की। तो ऐसे बोल सकते हैं अगर काइनेटिक एनर्जी वी पर डिपेंड कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी फंक्शन है वी का। और अब फंक्शन को लिखने का तरीका क्या, फंक्शन की जगह एफ लिख दो, क्या लिख दो, या सीधा लिख दो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ ऑफ वी। क्लियर है? जैसे यहां पर लिखना होगा स्पीड इज एफ ऑफ क्या, इसका फंक्शन था अभी जो बताया था, बोलो, टाइम का, तो एफ ऑफ टी लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? यस सर। ये हमारा फंक्शन है, तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये मिक्सचर भी हो सकते हैं, बताएंगे आगे। अब जैसे यहाँ पर बताओ, यहाँ पर कौन कौन डिपेंड कर रहा है, कौन इंडिपेंडेंट है, जल्दी जल्दी बताओ, अंडरलाइन में से, एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट में से कौन इंडिपेंडेंट है, कौन डिपेंडेंट है, देखो जिसकी एनर्जी इंडिपेंडेंट है, एनर्जी इंडिपेंडेंट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट को बिना चेंज किए एनर्जी पे, एनर्जी अपने आप कभी भी रुक चेंज नहीं हो सकती है ना, अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज कर दूं क्या एनर्जी सेम रहेगी? नो सर, एनर्जी तो डिपेंड कर रही है किस पे, डिस्प्लेसमेंट। तो कौन इंडिपेंडेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो होगी सर, अगर डिस्प्लेसमेंट रोक दूं तो एनर्जी क्या हो जाएगी, अपने आप ही चेंज जीरो, क्योंकि एनर्जी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है, तो एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का भी हो सकती है, फोर्स का भी है, लेकिन हम दो ही की बात कर रहे हैं अभी। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पर इंडिपेंडेंट, और जो एनर्जी हो गई वो क्या हो गई, डिपेंडेंट। तो हियर एनर्जी इज डिपेंडेंट, and energy depends upon displacement, energy is a function of displacement, displacement is independent variable। clear है क्या? Yes sir। किसी को कोई doubt है तो पूछ लिया जाए, वरना हम आगे बढ़ लिए जाए, बढ़े क्या आगे? Yes sir। आइए, अब दूसरी बात जो आती है वो होती है slope की, किसकी बात आती है सर, slope का बला है, स्लोप का होता है, का होता है स्लोप, डायरेक्शन। और ये तो आपने पढ़ के बता दिया सर, और मैं बताऊं सर, बाय फाइंडिंग द स्लोप और ड्रॉइंग अ टेंजेंट वी कैन फाइंड डायरेक्शन। और कोई बताना चाहेगा कुछ, स्लोप क्या होता है तुम्हारे हिसाब से, देसी भाषा में बोल दो, स्लोप क्या होता है, इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन कर दो, स्लोप स्लोप कहाँ पड़ा है सर, ढलान, यही तो होता है ना स्लोप। यस सर। हाँ तो वैसे ही सर, स्लोप यहाँ पर स्लोप कैसे यूज करेंगे सर, यही तो है, ग्राफ में अलग अलग तरह के स्लोप नहीं बनते क्या, बनते हैं सर, जैसे जैसे सर आप भी ना बार बार करवा के मानोगे, देखो यहाँ पर एक तो ये है और एक क्या है, ये है, दोनों ढलाने दिख रही हैं तुम्हें। यस सर। इसकी ढलान ज्यादा है, इसकी है, इसकी सर टू वाले, टू वाले दिख रहा है ना। हाँ यहीं पर स्लोप के बारे में बात करेंगे हम, देखना कैसे, यहाँ पर जो स्लोप यूज होता है ग्राफ के अंदर वो डायरेक्शन के लिए जनरली यूज होता है, ठीक है। मैं दो तीन चीजें लिखवाऊंगा तुम्हें ध्यान रखना, पहली बात तो स्लोप निकालते कैसे हैं और उसका क्या यूज होगा वो भी पढ़ेंगे। अगर इन्होंने यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैं देख ही रहा था कि कहाँ पर लिखूं जहां हमें जगह मिल जाए, तो इसको साइड में लिखते हैं। देखो तो स्लोप का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं बच्चे, तो क्या होता है याद रखना, जो जनरल फॉर्मूला है ग्राफ को देख के, स्लोप होता है चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस। तो अगर ये ग्राफ है बच्चे मेरा,
ठीक है, चाहिए यही मान लो। चल पहले यहां से मान लो, तुम्हें ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा ग्राफ, तो मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है बच्चों, बी है। ठीक है, अब ये ए से बी तक के बारे में, स्लोप के बारे में बात करनी है मेरे को, और ए पॉइंट पर जो वैल्यू है वो एक्स की, वो है x1, बी पॉइंट पर जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है, x2 और ए पॉइंट पर जो वाई की वैल्यू है वो क्या है, y1, y1 और इसकी वैल्यू क्या है, y2 y2। क्लियर है? यस सर ठीक है, यहां पर मैं लिख दूं ना ए पॉइंट ऊपर लिख दूं तो मुझे ज्यादा क्लियर रहे, ए और यहाँ क्या है बी, ऊपर से नीचे को हटा दिया मैंने। ठीक है सर, तो बता सकता है कि कोई वाई में कितना चेंज हो रहा है, ऊपर इस स्लोप का फॉर्मूला लिखो तो ऊपर क्या है, चेंज इन वाई एक्सिस, वाई में कितना चेंज हो रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल यानी बी माइनस, माइनस वाई वन वाई वेरी गुड, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स में वन क्या चेंज हो रहा है बच्चे, सब बोलेंगे भाई एक्स फाइनल माइनस इनिशियल, शुरू कहां से हुआ था, ए से, खत्म हुआ बी पर, तो चेंज इन वाई क्या हो गया, फाइनल वाई मतलब वाई टू, इनिशियल वाई मतलब वाई वन, चेंज इन एक्स क्या हो गया, फाइनल एक्स मतलब एक्स टू, इनिशियल एक्स मतलब एक्स वन। एक्स वन तो ये स्लोप का फॉर्मूला हो गया क्या, नहीं यस सर बोलिए हाँ या ना, दोबारा बोलिए। ठीक यस है, अब यहाँ पर एक सर और, अब यहाँ पर एक और चीज बताऊंगा मैं, यहाँ पर यहीं पर बता देते हैं आप लोगों को, ध्यान से देखना सर, ये टेंजेंट थीटा लिखा है इसने, क्योंकि एक्चुअल में तो वही है, देखना तीन चीजें होती हैं बच्चे, स्लोप यही किसके इक्वल होता है, टेन थीटा। टेन थीटा स्लोप को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्लोप भी होता है, क्या होता है बच्चे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्लोप, वो स्लाइड मैंने यहाँ ऐड की थी, आई डोंट नो कि कहाँ चली गई, ओह शिट, मेरे क्वेश्चन भी नहीं आएगा इसमें, एक सेकंड रुकना बच्चे, एक सेकंड दोगे मुझे, यस पांच दोगे नो सर नहीं दोगे, इतने गंदे बच्चे हो गए तुम लोग, अच्छा, आई गॉट इट आई गॉट इट। सर आपका फाइन हो एक गया 100 रुपीज़ सेकंड, क्या कह रहे हो बच्चे, अरे सर आपका फाइन हो गया 100 रुपीज़ समझ नहीं आई क्या बोल रहे थे, अब बोलो, सर टाइम हो गया साइन हो गया 100 रुपीज साइन हो गया, अच्छा टाइम हो गया फाइन, सर और फाइन ओके ब्रो, 100 रुपीज 100 रुपीज, बड़े यस सस्ते सर काम कर रहे हो भाई तुम तो, है सर भी शुरू शुरू में इतना ही करना पड़ता है, पहले अच्छा, उसके बाद लगाओगे हैं फाइन, मार्केट बनने दो पूरे व्यापारी बन गए हो हैं, यस सर आज हाँ ये वाली स्लाइड, आई थिंक हमसे पंगा लेने चले थे ये लोग, ये तो गलत हो गया हमारे साथ, बहुत बड़ा गुनाह, अभी जस्ट एक सेकंड पहले मैंने सब ओपन किया था, यहाँ पर मेरी फाइल क्रैश हो चुकी है, वेरी गुड, भगवान इतना निर्दयी कैसे है मेरे पे, क्योंकि हमारे प्रभु की दया है। चीजों का आंसर है भाई तुम लोगों के पास, क्या पार्ट टाइम ये काम भी करते हो क्या,
सर आपके स्टूडेंट है। सब चीजों के आंसर तो मेरे पास भी नहीं है, तुम्हारे पास कहाँ से आ सकते हैं? आई डोंट नो सर, हम आपके शिष्य हैं, आपको फॉलो करते हैं सर। संगति कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, संडे आने वाला है, टेस्ट आने वाला है, फिर फॉलो करना मेरे को। सर हम आपको फॉलो कर कर आज छुट्टी मार कर सो जाएंगे। ठीक बात है, ठीक बात है। तो टेस्ट कैसे होगा? टेस्ट? यस सर। टेस्ट कैसे होगा? टेस्ट अच्छा होगा, टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे और उनका हमने आंसर देना है। वेरी गुड, ये मुझे फॉलो कर रहा है लड़का अच्छे से। सर ऐसे ही होगा ऑनलाइन? गलत हुआ तो एक नंबर कटा जाएगा। सर लिंक भेजेंगे? क्या कह रहे हो बच्चे आप? सर लिंक भेजोगे? हाँ बच्चे, मैं नहीं भेजूँ, हाँ वैसे टीम भेजेगी अवंती की आपके पास। यस सर। कोई बात नहीं बच्चों, आओ, हमारे साथ धोखा तो कर लिया इन लोगों ने, बट इट्स ओके, मिल गया, आओ। देखो हमने यहां तक कर लिया था सर, ये काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन था हमारे पास, राइट? यस सर। यस सर। हाफ एम वी स्क्वायर होता था फॉर्मूला, इसीलिए हमने बोल दिया काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ स्पीड एंड स्पीड इज द फंक्शन ऑफ टाइम बाय यूजिंग स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसके बाद ये हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ जो मैं बताने वाला था तुम्हें कि हमने स्लोप के बारे में पढ़ा, जो कि क्या होता था वाई टू माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस एक्स। अब स्लोप के बारे में एक और चीज पढ़ो। देखो स्लोप, जैसे हमने इस ग्राफ को बात की है ना बच्चे, इस ग्राफ में जब हम देख रहे थे तो हमने ये दो मान लो ये एक कर्व देखी थी, यहाँ पर पॉइंट ए था, यहाँ पर पॉइंट क्या था बच्चे, बी था, यहाँ पर इसकी वैल्यू थी एक्स वन, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या थी एक्स टू, ऐसे ही यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या थी बच्चे वाई वन, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या थी वाई टू। अब तो हमने स्लोप का फॉर्मूला तो सिंपल ही लिख दिया था सर, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो स्लोप ने मुझे ये बता दिया, एक्चुअल में स्लोप था क्या सर? चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस, राइट सर? ठीक है, चेंज इन वाई एक्सिस और चेंज इन एक्स एक्सिस। सर वाई एक्सिस में जो चेंज है और एक्स एक्सिस में चेंज है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ग्राफ ये होता बच्चों, वाई पर होता स्पीड और यहाँ होता टाइम, तो स्लोप क्या होता? ऊपर क्या है चेंज इन वाई एक्सिस की जगह क्या लिखता? चेंज इन वेलोसिटी। वाई एक्सिस की जगह क्या है? वी, यानी चेंज इन स्पीड वेलोसिटी, और नीचे क्या लिखता? चेंज इन टाइम। टाइम तो चेंज इन स्पीड डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ये होता क्या है? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर स्लोप ने क्या बता दिया तुम्हें? एक्सेलरेशन। तो अगर वी और टी का तुम स्लोप निकालोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। ऐसे ही डिस्टेंस और टाइम का स्लोप निकालोगे तो क्या मिलेगा? स्पीड मिलेगा। क्लियर है क्या सबको? तो देखो ऐसे चलते है ये ग्राफ। यस सर। तो डिस्टेंस से तुम चले स्पीड की तरफ, स्पीड से तुम चले एक्सेलरेशन की तरफ, तुमने यहां से यहां तक जाने में क्या करा? डिफरेंशिएशन। और फिर यहां से यहां तक जाने में भी क्या किया? डिफरेंशिएशन। क्लियर है क्या सबको? तो पहली बात, जो चीज स्लोप बता रही है वही तुम्हें क्या बता रहा है? बोलो 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 बोलो। अरे बोल दो थोड़ा बहुत, मैंने यहाँ पे लिखा था वो स्लाइड, मैंने मेरे को मिल चुकी है बच्चों, यहाँ पे लिखा था मैंने वो, बट मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, डिफरेंशिएशन छोड़ो,
हमें क्या बता रहा है, स्लोप हमें क्या बता रही है बताओ मुझे अभी अभी, जस्ट अभी हमने जो पढ़ा है स्लोप हमें क्या सर क्या बता रहा है स्लोप सर महान, समझ नहीं आई मुझे, दोबारा बोलो। फिजिक्स वाले सर महान है। नहीं नहीं अब काम की बात करो बच्चे, स्लोप हमें क्या बता रहा है सर, स्क्रीन शो नहीं हो वो ठीक है, स्लोप क्या बता रहा है पहले ये बताओ, स्क्रीन को छोड़ो, चेंज इन वाई एक्सिस, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, समझ में आ रही है ये बात सबको, कोई ये बात मत भूल जाना कि स्लोप हमें क्या बता रहा है, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्स। आई थिंक अब यहाँ तक क्लियर है सबको, इस बात में डाउट है तो पहले वो पूछे पहले मेरे से, स्क्रीन की हो जाएगी वो टेंशन मत लो, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ पहले मुझे, वो क्लियर है? यस सर, यस सर। उसके बाद की बात हम करेंगे कि सर स्लोप के बाद हमें क्या पता चलता है, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे वहां तक, तो इसकी टेंशन मत लो तुम, स्क्रीन स्क्रान तो चलता रहेगा, आज वैसे ही नेटवर्क का इशू आ रहा है क्या कुछ सीन आ रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा, हमारा लैग भी कर रहा है, तुम्हारे वहां भी बारिश हो रही है सर, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है रात की हो रही है, कोई बात नहीं बच्चे कोई बात नहीं। तो अब स्लोप हमें पता चल गया, तो सब कुछ पता चल गया, बट स्लोप निकालते कैसे हैं इतना भी आइडिया हो गया, अब स्लोप का दूसरा फंक्शन भी होता है कि स्लोप डिफरेंशिएशन के काम आता है, तो वो अभी तुम नहीं करो क्योंकि डिफरेंशिएशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है? अब एक बात बताओ मेरे को खास खास, सर स्लोप ने अभी बताया हमें चेंज, ऊपर वाई का नीचे और ये भी हमें पता चल गया, डिस्टेंस से अगर स्पीड जाना है और स्पीड से एक्सेलरेशन जाना है तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, लेकिन ये हम बाद में करेंगे। तो अब मैं तुमसे पूछूं, डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ है उसका स्लोप क्या बताएगा हमें, तो क्या बोलोगे, स्पीड? सिमिलरली स्पीड और टाइम का स्लोप हमें क्या बताएगा, एक्सेलरेशन, और स्लोप का नॉर्मल फॉर्मूला तुम्हें पता लग गया। जो बच्चे इस काम स्लोप का होता है वही काम किसका भी होता है, टेंजेंट थीटा का। जब भी किसी स्लोप के बारे में कोई ग्राफ दे रखा हो, कोई भी क्या दे रखा हो ग्राफ, तो तुम उसका स्लोप कैसे निकाल सकते हो, बाय यूजिंग कौन सा फंक्शन, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा। और ये याद रखना, ये थीटा किसके साथ होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आज थोड़ा बेसिक बेसिक का ही है बस, इसको यूज कैसे करेंगे हम नेक्स्ट में डिफरेंशिएशन में यूज भी कर लेंगे इसको। तो अगर मान लो ये ग्राफ है तो इसका स्लोप बताना हो तो मैं क्या कर लूं, इसका यहां से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा ले लूं, तो अगर जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आएगी वही इसका क्या होगा बच्चे, स्लोप। क्लियर है? तो स्लोप किस काम आया ये भी समझ में आ गया, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज कैसे निकाल रहे हैं स्लोप, क्लियर है ये बात सबको? और वही वैल्यू, जो वैल्यू स्लोप की है वही वैल्यू किसकी है बच्चे, टेंजेंट थीटा। तो स्लोप चेंज निकालने के भी काम आ रहा है और स्लोप डायरेक्शन निकालने के भी क्या आ रहा है, डायरेक्शन कैसे, टेंजेंट थीटा है सर, थीटा की वैल्यू पता लग गई तो डायरेक्शन ही पता लग गई है किसम से, कितने एंगल पर है मेरी बात, है ना, क्लियर है? यहाँ तक तो था स्लोप के बारे में। अब थोड़ा सा फंक्शन की ग्राफ देख लेते हैं, आओ। एक ग्राफ होता है लीनियर फंक्शन का, किसका बच्चे, लीनियर फंक्शन मतलब जब कोई चीज किसी चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जैसे तुमने पढ़ा था फोर्स, कोई भी एक चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता दो मुझे, कोई भी एक चीज, कोई फॉर्मूला पढ़ा जिसमें कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? हाँ सर, नंबर और यूनिट्स आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, याद है? यस सर। ऐसे वैसे अगर कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, कोई भी फॉर्मूला तुम्हें याद हो सर, फोर्स और एक्सेलरेशन था नहीं एफ इज इक्वल टू एम ए से, यस सर, है ना, एफ इज इक्वल टू एम ए से, तो ये सर था। ऐसे ही सर एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डीटी था, वो भी था सर, सेम सेम चीजें। और पोटेंशियल, ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी किसके डिपेंड होती है, देखो पीई पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mg, h, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाइट के, हाइट। तो देखो जब भी ऐसा फंक्शन आए तो हम, और ओम्स लॉ तुम सबने पढ़ा, ओम्स लॉ क्या होता है, v इज इक्वल टू आई आर, पढ़ा हुआ ना सबने,
तो इसमें भी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आई यार आई। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो ये भी कैसे, जब भी ऐसा ग्राफ हो कोई चीज प्रोपोर्शनल हो और पावर वन ही हो तो कैसा ग्राफ बनता है हमेशा, लीनियर स्ट्रेट लाइन या लीनियर ग्राफ। क्लियर है क्या? Yes, जब भी अब ये कैसे सर, हर ग्राफ की अपनी एक इक्वेशन होती है, जैसे कोई भी स्ट्रेट लाइन है ना, कोई भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वो घूम फिर के इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या है सर ये, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब क्या है सर ये y, y तो है सर y एक्सिस की वैल्यू, x क्या है किसकी वैल्यू, x एक्सिस, x एक्सिस ना बोल के x वैल्यू लिख देते हैं, ये y वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। और m और c क्या है बता, पता है किसी को? चलो m होता है बच्चों स्लोप, क्या होता है स्लोप, स्लोप स्लोप। और c क्या है बच्चे, इंटरसेप्ट ऑन y, y इंटरसेप्ट, मतलब सर c का मतलब है ग्राफ मेरा y को, ग्राफ कहां कट कर रहा है। तो देखो यहां पर, यहां इस साइड कट कर रहा है ना y एक्सिस पे, देखो yes, sir. ग्राफ, तो यहां से लेकर ओरिजिन से लेकर यहां तक का पॉइंट क्या हो गया, c। अगर यहां कट कर रहा होता तो c क्या होता, यहां से लेकर यहां तक का पॉइंट। क्लियर है? yes, sir. अच्छा अब मैं तुमसे इंटरसेप्ट पूछूं तो बताओगे मेरे को, एक ग्राफ बनाता हूं लीनियर सेम, ये देखो बताओ सर, इक्वेशन तो y इज इक्वल टू क्या होगी, एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो बताओ इसका इंटरसेप्ट c की वैल्यू क्या होगी, जीरो, क्यों, क्योंकि जीरो से इंटरसेक्ट कर रहा है, जीरो पर कट कर रहा है, y एक्सिस पर कहीं कट ही नहीं कर रहा, तो c की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, जीरो। तो इस केस में y किसके इक्वल आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ mx। अब यही क्या है तुम्हारा, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर y एक्सिस पर क्या हो बच्चे, पोटेंशियल, और x एक्सिस पर क्या हो, करंट, तो अगर ग्राफ ऐसा बन रहा है तो c की वैल्यू फिर से क्या हो गई, जीरो। तो करो, y पर क्या है पोटेंशियल, तो y की जगह लिख दू v, m अभी नहीं लिख रहा, x की जगह क्या है i, और इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या है सर, रेजिस्टेंस, क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। तो ये क्या इक्वेशन बन गई, ओम्स लॉ। क्या ये यहीं से नहीं आया, v y is equal to mx, क्या ऐसी ऐसी फॉलो नहीं कर रहा इक्वेशन, कर रहा है, yes, है ना। यहाँ पर क्या है सर मेरे पास, y एक्सिस की वैल्यू क्या है सर, v, x एक्सिस की वैल्यू क्या है सर, आई, और स्लोप क्या है सर आर। तो कोई भी तुम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखोगे तो वो किससे निकली हुई है, y is equal to mx plus c से। क्लियर है सबको, यहां तक जिसको क्लियर है थम्स अप कर दो, जिसको कोई भी डाउट है वो पूछो, डन है, चले आगे। हाँ yes, तो ये था लीनियर फंक्शन, अब आता है इनवर्स फंक्शन। सर अभी जो पढ़ा था, जैसे वो न्यू अभी यूनिट्स वाला पढ़ा था ना, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, कि नंबर जो है वो यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना बड़ा यूनिट होगा उतना कम क्या होगा नंबर। अरे भाई करते नहीं थे, 1 kg किसके इक्वल है, 1000 ग्राम। तो ये यूनिट छोटी लेकिन इसका नंबर बड़ा, ये यूनिट बड़ी लेकिन इसका नंबर छोटा, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले ग्राफ होते हैं, जहां पर y जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के, मतलब x बढ़ा दिया तो y क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे में ग्राफ ऐसा बनता है, दिख रहा है। अभी इनके नाम याद मत रखना, सिर्फ इनको एक बार कर्व को पहचान लो, हालांकि इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलेंगे बट हम ही नहीं, अभी इतना नहीं देखना, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 1/x, सिंपल तुमके की बस ये देखना है कि ये ग्राफ कैसा दिखता है, दिख रहा है क्या, इसको दिमाग में बिठा लो थोड़ा थोड़ा,
ये कैसा है? इनवर्स फंक्शन, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो बिल्कुल कैसी लगती है? स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये कैसा है? इनवर्सली, तो ऐसे जाएगा झूले की तरह। क्लियर है? यस सर। चलो सबको, बाकी सब। यस सर। अभी कल हम देखेंगे ना तो आपको पूरा अच्छे से ग्राफ भी दिखाएंगे पूरा। और ये बात वही आ गई बेटे, अगर इंटरसेप्ट सी जीरो है तो हम कैसी लाइन मिलती है? एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। और जो कहां से पास होती है बच्चे? थ्रो ओरिजिन। ओरिजिन ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। सी जीरो के इक्वल है, एम वन के इक्वल है। ध्यान से देखो, पुट करो, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी को जीरो लिखो और एम को वन लिखो, तो वाई किसके इक्वल आ जाएगा? x। तो जब भी ऐसी क्वांटिटी आएगी जो वैल्यू y, अब x की वैल्यू जो है वही वैल्यू किसकी आए? y की। अगर मैं x की y, x इंडिपेंडेंट है वो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो है x की वैल्यू है वही y की। अगर मैं x की 4 लिख दूं तो y भी क्या हो गया? y भी क्या हो गया? क्या 4। x की वैल्यू 6 बोल दूं तो y भी क्या हो गया? 6। जब भी ऐसा फंक्शन हो कि y और x इक्वल हो, तब इस फंक्शन को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे? आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर है क्या? कैसा फंक्शन? आइडेंटिटी फंक्शन। ये है, सॉरी, आइडेंटिटी फंक्शन। चले आगे। यस सर। यस सर। छोटे छोटी चीजें हैं, इनको हम कल अभी इसके क्वेश्चन भी अच्छे से और करेंगे, बट अभी बेसिक बेसिक समझो। अब कॉन्स्टेंट फंक्शन। सर कॉन्स्टेंट फंक्शन हो गया जब मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट पे डिपेंड ही नहीं, मतलब जिस चीज की मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ वो डिपेंड ही नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल, जैसे भाई मैं भाई बाइक और अपने टाइम को नोटिस कर रहा हूँ, तो टाइम तो बढ़ता जाएगा, लेकिन बाइक की स्पीड तो किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। तो मैं रेस्ट पर ही खड़ा हो गया। या मैं ऐसा करूँ, 25 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, अभी भी किससे चल रहा हूँ? 25 किलोमीटर पर आवर। तुमने थोड़ी देर बाद तुमने कहा अभी देखता हूँ सर, छत से फिर देखा, सर अब कितना चल रहे हो स्पीड? तुमने देखा, मैंने देखा, मैंने बोला अभी भी कितना है बच्चे? 25 किलोमीटर पर आवर। तुमका अभी खाना खा के आता हूँ सर। खाना खा के आया एक घंटे बाद, फिर टाइम तो बढ़ गया। फिर पूछा सर कितनी स्पीड? मैंने क्या बोला सर? 25 किलोमीटर पर आवर। तुम कहा चलो सर मैं सो के आता हूँ थोड़ी देर। सो के आए तो फिर पूछा सर कितनी स्पीड? सर अभी भी 25 किलोमीटर पर आवर। क्या मेरी स्पीड बढ़ रही है क्या? No, sir. क्या टाइम बढ़ रहा है क्या? Yes, sir. तो जब मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही लेकिन टाइम बढ़ रहा है, तो वाई एक्सिस वाली वैल्यू नहीं बढ़ रही। सपोज कर लो यहाँ है ना 25 पे ही अटका पड़ा हूँ मैं। कहाँ पर अटका पड़ा हूँ? 25 पे। लेकिन टाइम बढ़े जा रहा है। टाइम क्या हो रहा है सर? बढ़े जा रहा है। तुमने अभी देखा, तुमने पहले शुरू में देखा तो भी मैं 25 पे था, बाद में देखा तब भी मैं 25 पे था, थोड़ी देर और बाद देखा, एक घंटे बाद, दो घंटे बाद, तीन चार पांच छह घंटे बाद, हर बार मैं कितने पे मिला तुम्हें? 25 पे मिला। मिला या नहीं मिला? यस सर। तो मैं रीडिंग यहाँ पर भी 25 पे मिला, यहाँ पर भी 25 में मिला, यहाँ पर भी 25 में मिला, 25 25। तो ये तो चेंज ही नहीं हो रही, तो ये कैसी लाइन आ रही है बच्चों? देखना, स्ट्रेट लाइन। और हालांकि ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, तो जिसका मतलब ये निकल सकता है कि सर आपकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई, लेकिन तुमको ऐसा नहीं मानना क्योंकि सर की ड्राइंग बहुत अच्छी है ना? तो सर ये कैसा है सर? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। क्लियर है ना? क्योंकि देखो y की वैल्यू कितनी है जहां पर? 25। अगर y एक्सिस के पैरेलल होता तो किसकी वैल्यू चेंज ना होती? x की। क्या पॉसिबल है यहां पर ऐसा? नो सर। x पे कौन है? टाइम। तो अगर मैं यहां पर ऐसे ग्राफ बना देता बच्चे, समझो ऐसा, इसका मतलब समझ जाते हो कि टाइम की वैल्यू कितनी रह रही है? सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड। क्या ये पॉसिबल है क्या? नो सर। वो तो बढ़ता ही रहेगा सर, वो किसी के बस में नहीं है। हम कोई युद्ध भूमि में थोड़ी खड़े हैं महाभारत की, जो कृष्ण जी आएंगे और कहेंगे लो बच्चे आओ, अर्जुन वाले आओ, तुम्हें उपदेश दें, तो
तो उस टाइम सृष्टि रोक देंगे, हम तो नहीं कर सकते ना ऐसे, है ना? तो चलो आगे सर, तो बस यही था। ऐसे जैसे लीनियर फंक्शन होते हैं वैसे ही कौन से फंक्शन होते हैं बताए? क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक की इक्वेशन सबको पता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पर a की वैल्यू जीरो से बड़ी भी हो सकती है, a की वैल्यू जीरो से छोटी भी हो सकती है। इसका जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला बनता है। कैसा बनता है? पैराबोला। जो इनवर्स फंक्शन का था उसको बोलते थे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते थे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो देखो जब a की वैल्यू जीरो से बड़ी हो यानी पॉजिटिव हो तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, समझ रहे हो? यू शेप। कैसा बनेगा सर? हाँ अरुण, अरुण बोलो। अरुण गलती से हो गया, चलो यू शेप। और अगर ए छोटा हो जीरो से तो ये कैसा बनेगा? बेल शेप। कैसा बनेगा सर? बेल शेप। मंदिर में घंटी ऐसी होती है ना सर? हाँ। तो वो जब कब, तो ये डिफरेंट डिफरेंट है अभी, तुम्हें थोड़े सिर्फ याद रखने हैं इसको दिमाग में। सर जब ए बड़ा हो तो कैसा ग्राफ बनेगा सर? यू। यू। और जब ए छोटा हो तो क्या बनेगा? बेल शेप। क्लियर है? यू या वी, यू और वी शेप, ठीक है? या ऐसे भी याद रख लो, जब ए बड़ा होगा तो मिनिमम नीचे रहेगा, मिनिमम वाला पॉइंट सबसे छोटे वाला पॉइंट नीचे रहेगा। जब ए छोटा होगा जीरो से तो मिनिमम वाला पॉइंट कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। नहीं, ये कैसा पॉइंट है? ये मिनिमम है क्या? मैक्सिमम। तो तुम्हें मिनिमम दिखेगा जब ए बड़ा होगा, तुम्हें मैक्सिमम दिखेगा जब ए क्या होगा? छोटा। क्लियर है क्या? yes, sir. नीचे मिनिमम और ऊपर मैक्सिमम। तो ये ग्राफ होता है। ये दोनों कैसे ग्राफ है? पैराबोला। कैसा ग्राफ है बच्चे? पैराबोला। ये क्वाड्रेटिक फंक्शंस का होता है। लीनियर का हमको पता चल गया। लीनियर की क्या इक्वेशन होती थी, कौन बताएगा? y is equal to mx plus c. और क्वाड्रेटिक की क्या होती है बच्चे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक्सपोनेंशियल का हमको इक्वेशन नहीं देखनी, बस ग्राफ याद रखना है एक्सपोनेंशियल लॉग के। देखो एकदम से बढ़ रहा है एक्सपोनेंशियल, लॉग का ऐसे वैल्यू होती है। लॉग की एक खास बात है, हम आगे पढ़ेंगे कि लॉग का ग्राफ यूज ही क्यों किया हमने, लॉग का ग्राफ हमने यूज ही क्यों किया, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए तुम सिर्फ इतना देखो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसे जा रहा है और लॉग का ग्राफ कैसे जा रहा है, ठीक है? और वो तो तुम्हें फंक्शन में दिख ही जाता है ना एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का फंक्शन कैसा होता है सर? ऐसा कुछ होता है ना, ये एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है e की पावर x। और लॉग का भी फंक्शन तुम्हें पता लग जाता है ना? यस सर। वो तो साफ इक्वेशन में ही लिखा होता है, तो इसका तो तुम्हें लर्न करने की जरूरत भी नहीं है कि इनकी इक्वेशन क्या है। एक्सपोनेंशियल और ग्राफ, ये सारे थे हमारे ग्राफ्स बच्चे। क्लियर है? किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट? नो सर। पक्का? तो ये सारे हमारे क्या थे, आज का ग्राफ का पार्ट था। लेकिन इनके अभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं, लेकिन आज थोड़ा सा हमको इनके बारे में ओवरव्यू लेना था। तो पहले मुझे ये बताओ, हमें सब कुछ समझ में आया स्लोप के बारे में, जो जो पढ़ा? यस सर। ग्राफ के बारे में? यस सर। थोड़ा सा आओ इसको समराइज कर दे पहले, आओ हल्का सा। सर पहले देखा स्लोप, स्लोप क्या होता है सर? चेंज इन अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। और यही किसके इक्वल होता है? कौन सा थीटा? टेंजेंट। टेन थीटा। और ये थीटा किसके साथ होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है। स्लोप का दूसरे तरीका से क्या होता है सर? किस लिए? या तो चेंज निकालने के लिए, या किस लिए कर रहा है सर? डायरेक्शन। डायरेक्शन निकालने के लिए। और इसको देखते हैं टेंजेंट डाल के उस इक्वेशन पे। इसके बाद हमने देखे ग्राफ्स। ग्राफ्स में हमने पढ़ा सर लीनियर फंक्शंस, क्वाड्रेटिक फंक्शन और सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना? एक और भी पढ़ा था, कौन सा फंक्शन? लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है? लॉग फंक्शन लिख दूं मैं शॉर्ट में, लिखना चाहूंगा। इसमें एक्सपोनेंशियल वाला होता है सर, इसमें लॉग वाला होता है सर। इसकी तो इक्वेशन ही पता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस
सी सी इसकी क्या हो जाएगी सर? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर जब देखते थे तो वाई वाई एक्सिस थी, एक्स एक्स एक्सिस की वैल्यू थी, एम क्या होता था? स्लो। क्लियर है? इससे पहले बीच में एक और फंक्शन पड़ा था, उस फंक्शन का नाम था इनवर्स फंक्शन, याद है ना? यस। जब वाई डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। क्लियर है सबको? अच्छा, जब यहाँ पर क्या नाम है वाई इधर, जब सी जीरो होता था तो वाई किसके इक्वल हो जाता था? एम एक्स के। और एम जब वन के इक्वल, सी भी जीरो के इक्वल, तो वाई किसके इक्वल हो जाता था? एक्स के। और इस फंक्शन को क्या बोलते थे? कौन सा फंक्शन? कौन सा फंक्शन? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी फंक्शन। जब y x के इक्वल हो जाए तो ये कौन सा फंक्शन है सर? आइडेंटिटी फंक्शन है। किसी को हल्का सा भी डाउट है तो बता दीजिए बच्चों। नो सर। कर दिया जाए सब? आज के लिए हम इतना ही करेंगे बच्चे। किसी को कोई डाउट है तो वो रुक सकता है, वरना सर का मैसेज आ जाएगा अभी और तुम क्लास लगा। पांच बजे आ गया सर। आ गया सर? चलो बढ़िया। यस सर। क्लास तो आज रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं क्या? नो सर। नहीं करें? यस सर। बैठो सर, बैठो फिर, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डिंग इज इंडिपेंडेंट। रिकॉर्डिंग इज डिपेंडेंट। अच्छा, रिकॉर्डिंग तो डिपेंडेंट है बच्चे हमारे ऊपर। लो हाथ लगाया तो रिकॉर्डिंग।